गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, तो फाइनली 15 दिन के बाद ये इशू मार्वल वालों की तरफ से रिलीज हो चुका है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज गैलेक्टस का हेराल्ड यानी कि संदेशवाहक बन जाता है और उसके लिए मैजिक रियलिटीज में खाने लायक एक प्लैनेट ढूंढ रहा है और कह रहा है इन मैजिकल रियलम्स के अंदर गैलेक्टस का संदेशवाहक बनकर घूमना दिखाई देने से बहुत ही खतरनाक काम है। कभी कभी तो बहुत खतरनाक दुश्मन से सामना होता है, कुछ तो बात ही नहीं करते। मुझे इस रियलिटीज के उन फोर्सेस के साथ काम करना पड़ रहा है जिनको मैं कभी नहीं जानता। मेरा पहला गोल यही है कि गैलेक्टस के लिए एक पौष्टिक प्लैनेट ढूंढना जिसपे कोई जिंदगी मौजूद ना हो। डकवैरम की रियलिटी में एक प्राणी ने फाइनली ऐसी चीज की तरफ इशारा कर दिया। तब मैं वहां गया जहां ऑर्फिक स्टोन के कैप्टन यकोलन ने मेरी मदद की। उसने कहा कि वो एक ऐसा बंजर प्लैनेट जानता है जो मेरे काम आ सकता है। रास्ते के खतरों की परवाह किए बिना वो खुद मुझे वहां ले गया, एक ऐसी भूल भुलैया से होता हुआ जिसके हर कदम पे मेरे सामने लाइफ फॉर्म्स कम होती जा रही थी। और फिर वो प्लैनेट आ ही गया जिसके लाइफ फॉर्म बिल्कुल जीरो थी और ये प्लैनेट डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। अब बस मुझे और क्ली को प्यासे को कुएं के पास ले जाना है। उधर गैलेक्टस कह रहा है मेरी लाइफ फोर्स जल्दी से खत्म हो रही है, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। क्ली कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस तरह की भूख को सहने की आदत नहीं है। अगर स्टीफन टाइम से नहीं आता तो हम और भी तरीके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि तुम्हारे यहाँ होने से सारे रियल्स में खतरा हो चुका है। इस टाइम उमार डीमंस और मैजिशियंस के एक लार्ज ग्रुप को इकट्ठा कर रही है जो ये पता लगाएंगे कि तुम्हें फिर से तुम्हारे साइंस वाले यूनिवर्स में कैसे भेजा जा सकता है। लेकिन उसके लिए उन सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इधर उमार नाइटमेयर के पास आई हुई है। नाइटमेयर कहता है बिल्कुल नहीं, मैं सोचूंगा भी नहीं, गैलेक्टस नाइटमेयर के रियलम पे अटैक कर ही नहीं सकता। ये रियलम किसी के दिमाग में बस कुछ ही टाइम के लिए रहता है। उमार कहती है मैं मानती हूँ कि तुम्हारा रियलम बाकी सारे रियलम से अलग है, लेकिन तुम ये सोचकर गलती कर रहे हो कि गैलेक्टस तुम पे अटैक नहीं कर सकता, वो सारे रियलम्स को अनस्टेबल कर सकता है। नाइटमेयर कहता है ये तुम्हारी चिंता है मेरी नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि गैलेक्टस क्रिएचर्स के मन में जो डर पैदा करेगा उससे मेरा किंगडम और भी ताकतवर बन जाएगा, फिर शायद मैं तुम दोनों को तुम्हारे सपनों में देख सकूं। उमार कहती है मूर्ख, शायद गैलेक्टस सबसे पहले तुम्हारे ही रियलम को डिस्ट्रॉय करे। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज गैलेक्टस के पास आ चुका है और कहता है खुशखबरी है, मुझे एक ऐसा प्लैनेट मिल चुका है लेकिन ये काफ़ी पेचीदा है। क्लिए कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गैलेक्टस को वहाँ तक ले जाने में मदद करूँगी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताता है कि मुझे फिर से उसी रास्ते पर जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी स्पीसीज हमें रोकने के लिए हमारे रास्ते में आई, जैसे कि उनको किसी ने पहले ही हमारे आने की खबर दे दी हो। कुछ ने लड़ने की बजाय गैलेक्टस को सरेंडर करने तक के लिए कह दिया। कुछ ने गैलेक्टस को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कुछ भी हो, इस टाइम बहुत सारे लोग रास्ते में रोड़ा अटकाने आ रहे हैं। डॉक्टर चेंज कहता है इतनी सारी रुकावट, कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया, लेकिन अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। क्लिए कहती है कि गैलेक्टस की भूख उसके हमेशा सही करने की एबिलिटी को कमजोर कर रही है। डॉक्टर सेंच कहता है मैं मानता हूँ हर एक नया बैरियर उसकी भूख को और बढ़ा रहा है, लेकिन वो जितना भूखा बनता जाएगा उतना ही सारे रियलम्स के लिए खतरा बनता जाएगा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर हम फेल हो गए तो। क्ली कहते हैं हम नहीं होंगे, तुम स्टीफन स्ट्रेंज हो और तुम कभी फेल नहीं होते। डॉक्टर सेंच सोचता है मैं एक इडियट हूँ इन सब की वजह से नहीं, बल्कि मैंने अपनी वाइफ को एक्स वाइफ बनने दिया, वो मेरे लिए एक खजाने की तरह है, वो मुझे चैलेंज करती है, मुझे और ताकतवर बनाती है, सिर्फ इस टाइम नहीं बल्कि हर टाइम। किस्मत ने मुश्किल की घड़ी में हम दोनों को एक साथ लाकर मुझे एक दूसरा चांस दिया है। किस्मत और मौका मैं किसी को भी नहीं छूटने दूंगा। क्लिए उमार की कम्युनिकेशन का वेट कर रही है, लेकिन लगता है कि कोई नई सूचना नहीं आने वाली, इसलिए हम एक सोल्जर की तरह लड़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उमार हमारी मदद करेगी, क्योंकि मेरे सारे दुश्मनों में से वो सबसे बड़ी धोखेबाज है, लेकिन अगर मिस्टिक रियलिटीज में कोई हमारी मदद कर सकता है तो वही है, जबकि यहाँ चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि गैलेक्टस खुद आने वाली रुकावटों से लड़ने लगता है और इतनी कीमती एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। उमार तुम कहाँ मर गई? उधर उमार मिस्टिक रियलिटीज में हर किसी के पास जाकर कह रही है कि पहले ही 14 रियलम्स डैमेज हो चुके हैं और हर कोई मुझे नकार देता है।
वो अभी मुझसे कमजोर और कायर, लेकिन हर कोई आने वाले खतरे को समझता है, लेकिन एक धोखेबाज का साथ नहीं देना चाहता। इधर डोरमामू अपनी बहन को देख रहा है और कह रहा है, प्यारी बहना, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जीत का एक सीक्रेट होता है उमार, कि हर पॉसिबल रिसोर्स का यूज़ करना। अगर तुम सही प्लानिंग के साथ जाते हो तो मैं हर किसी चीज़ को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास सही इच्छा होती तो हमारे सिर्फ एक दोस्त से हम गैलेक्टस को हरा सकते हैं, लेकिन तुम गलत लोगों से मदद मांग रही हो। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज और ग्रुप उस प्लैनेट तक पहुंच चुका है। गैलेक्टस कहता है, तुमने अच्छा काम किया है स्टीफन स्ट्रेंज, बहुत बहुत अच्छा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, गैलेक्टस, मैंने डिटेक्ट किया है कि ये प्लैनेट पूरी तरह से कंज्यूम करने लायक है, फिर भी हम एक अननोन जगह में है, इसलिए तुम धीरे धीरे इसे कंज्यूम करना। गैलेक्टस कहता है, गैलेक्टस अपनी स्पीड से खाता है और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि गैलेक्टस उस प्लैनेट को तेजी से कंज्यूम करने लगता है और सोचता है, नहीं स्टीफन, तुम्हें क्या लगता है कि क्या बुरा होने वाला है? तुम नहीं चाहते कि तुम एक भूखड़ आदमी के सामने डिनर परोसो और वो पागलपन से मर जाए। अब गैलेक्टस जोरों से चिल्लाने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है, उसे दर्द क्यों हो रहा है? कुछ तो गलत है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। इतना बुरा कि इसे इस यूनिवर्स के साथ साथ मेन यूनिवर्स का हर प्लैनेट महसूस कर सकता है। सैंक्टम सेंटोरियम में बैट्स जेलमा से कहता है, क्या तुम्हें वो फील हुआ? जेलमा कहती है, एक छोटी सी कमकमी, जैसे कि कोई अचानक से कीचड़ में सन गया हो। तुम ये बताओ कि यहाँ सब बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? यहाँ हुआ क्या था? मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की चिंता हो रही है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। बैट्स कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। उधर वाचर के प्लैनेट T37X पे एक वाचर को पता चल जाता है कि गैलेक्टस खतरे में है। उसकी किस्मत पूरी लाइफ से जुड़ी हुई है। अगर वो किसी दूसरे रियलम में मर जाता है तो भूल जाओ कि यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट करता था। और जैसे हम गैलेक्टस की पीड़ा को देख पा रहे हैं, हम अपने आने वाले फ्यूचर को नहीं नकार सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहा है, ये तो वो एनर्जी नहीं है जिसे मैंने डिटेक्ट किया था। किसी ने इस प्लैनेट के साथ छेड़खानी की है जब मैं चला गया था, और ये एनर्जी गैलेक्टस को कंज्यूम कर रही है। क्लियर पूछती है, कैसे? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, पता नहीं, लेकिन ये ऑब्वियस है कि किसी ने इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और हमारे रास्ते में जानबूझकर रोड़े अटका दिए, ताकि तब तक वो इस प्लैनेट के साथ छेड़खानी कर सके। तुम्हें जाना होगा क्लियर, तुम उमार के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हो। जाओ और पता लगाओ कि मदद कहाँ तक पहुँची, क्योंकि यूनिवर्स को बचाने की अब वही एक आखिरी उम्मीद है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताता है कि गैलेक्टस खा नहीं रहा, बल्कि ये चेंज हो रहा है, लेकिन किस चीज़ में? गैलेक्टस की चीखें इतनी तेज हो चुकी हैं कि एक चांद तक को तोड़ सकती हैं। उसकी बॉडी का हर एक मॉलिक्यूल जल रहा है। ओह माय गॉड, ये तो फैटलैंड की लपटें हैं, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये एक जाल है, और जिस विलन ने ये जाल बिछाया है उसने अपनी छाप छोड़ दी है। गैलेक्टस कहता है, मैं बदल चुका हूँ, मैं अब एक मैजिकल बीइंग बन चुका हूँ, टेक्नोलॉजी और मैजिक के जोड़ का एक नायाब नमूना। ये चीज़ मुझे मेरे नए संदेशवाहक डोरमामू ने दी है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये डोरमामू का ही किया कराया है, और वो सारी रुकावटें भी जिनकी वजह से गैलेक्टस कमज़ोर बन चुका था। ताकि गैलेक्टस को चेंज किया जा सके, जरूर उसे किसी से मदद मिली होगी, लेकिन सारी मिस्टिक रियलिटीज़ डोरमामू से नफरत करती हैं, और उस अकेले के पास वो ताकत नहीं है कि वो इतने सारे क्रिएचर्स को रास्ते में खड़ा कर सके। इस पूरे यूनिवर्स में केवल एक ही चीज़ है जो इतने सारे क्रिएचर्स को एक साथ मैनिपुलेट कर सकता है, मेफिस्टो। इधर मेफिस्टो उमार से कह रहा है, अगर तुम मेरे पास मदद मांगने के लिए आई हो तो तुम बहुत उतावली हो रही होगी, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई के साथ पहले ही संधि कर ली है। तब क्लिए वहाँ आती है और उमार से कहती है, तुम और जो कोई भी तुम्हारे साथ है उसे जल्दी से लेकर मेरे साथ आओ, हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। जिसपे मेफिस्टो उन दोनों को कैद करते हुए कहता है, खतरा तो तुम्हारे लिए है, लेकिन ये मेरे लिए मास्टर स्ट्रोक है। गैलेक्टस का चेंज होना हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अब गैलेक्टस जिस किसी भी किंगडम में पैर रखेगा वो डोरमामू के किंगडम में जुड़ता जाएगा, जबकि जिस किसी को गैलेक्टस मारेगा उसकी सोल मेरे किंगडम में। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज कई सारी शांत करने वाली स्पेल गैलेक्टस के ऊपर पड़ चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, गैलेक्टस, डोरमामू कभी तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, वो केवल खुद के लिए जीता है। उसने तुम्हें अपना प्यादा बनाकर स्टेबल कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। गैलेक्टस कहता है, किस चीज़ से? अगर ये मैजिक है तो ये मुझे पसंद है, ये मुझे जिंदा रख सकता है, ये मेरी एबिलिटीज को 1000 गुना तक बढ़ा रहा है।
अब तुम्हारा कोई भी रूप मुझे नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे हर एक रूप को देख पा रहा हूँ। सब के सब मेरे सामने हेल्पलेस हैं। तुम एक जादूगर हो, लेकिन इंसान भी हो। जो मैं बन चुका हूँ वो तुम समझ भी नहीं सकते और ना ही खुद बन सकते हो। अब गैलेक्टस डॉक्टर सेंस पर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। इधर ऐसा लग रहा है कि मेफिस्टो ने उन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। उधर डॉक्टर सेंस रियलेंस में बैठता जा रहा है और कह रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा, मेरा जादू काम नहीं कर रहा। गैलेक्टस जा चुका है और उसके बिना ये रियलम्स मुझे इस तरह से दबा रहे हैं जिस तरह से धरती एक हीरे को दबाए रहती है, माफ करना के लिए। तभी अकोलन डॉक्टर सेंस के सामने आकर कहता है, अमेजिंग, तुम अभी जिंदा बच गए। डॉक्टर सेंस पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए? ये कोलन कहता है, हाँ, मेरे मास्टर के कहने पे। तुम एक गधे हो जो तुमने सोचा कि तुम्हें माफ कर दिया जाएगा उसके बाद जो तुमने मिस्टिक रियलम्स के साथ किया। डॉक्टर सेंस कहता है, मैंने तुम पे यकीन किया था। तब डोरमामू वहाँ आता है और कहता है, यही तो तुम्हारे हमेशा हारने की वजह है और अब तुम्हारी वजह से टाइम के शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे खतरनाक वेपन मेरे पास आ चुका है और तुम्हारी शक्ल देखने लायक है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यूनिवर्स के साथ क्या क्या करता हूँ।